टोटल सोलार इक्लिप्स से लेकर दुनिया भर में दिखाई देने वाले नॉर्दर्न लाइट्स तक, ऐसा लगता है कि 2024 स्काई वॉचर्स के लिए काफी बिजी साल होगा। और अब इस लिस्ट में एक और रेयर कॉस्मिक इवेंट जुड़ने जा रहा है। इस बार 8 में से 6 प्लैनेट एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे, जिसे प्लैनेट परेड या प्लैनेट अलाइनमेंट कहा जाता है। 3 जून को मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। हमारे सोलार सिस्टम के 8 में से 2 या 2 से अधिक प्लेनेट जब एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं तो इसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेनेट्स अंतरिक्ष में पूरी तरह से एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हों, बल्कि वे केवल इस तरह दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ प्लेनेट्स हो सकता है एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे हों, और असल में एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से अपने पोजीशन के कारण ये एक सीध में दिखाई पड़ते हैं। इस पूरे इवेंट को थोड़े समय के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट जैसे कि टेलीस्कोप और हाई पावर बायनोकुलर्स द्वारा इन प्लेनेट्स को एक लाइन देखा जा सकता है। बिकॉज जो प्लैनेट्स बड़े हैं और जो सूरज से दूर हैं, वो तो नॉर्मली दिख सकते हैं, बट सूरज से नजदीक जो छोटे प्लैनेट्स हैं, उन्हें देखने के लिए इन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ऊंची इमारतें और जहां पर लाइट पोल्यूशन कम होगा, वो बेस्ट जगह होगी इस पूरे इवेंट को विटनेस करने के लिए।